Subscribe Learn Easy Channel. Hello kids, welcome to Learn Easy Channel. आज के कक्षा में हम जानेंगे कि शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जीवन में माता पिता का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वे ही हमें इस रंगीन खूबसूरत दुनिया में लेकर आते हैं। कहा जाता है कि जीवन के सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु व शिष्य की परंपरा चली आ रही है। जीने का असली सलीका हमें शिक्षक ही सिखाते हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु का हर किसी के जीवन में बहुत महत्व होता है। समाज में भी उनका अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। कबीर जी ने अपने दोहे में भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद यानी भगवान एक साथ खड़े हैं तो किसे प्रणाम करना चाहिए। ऐसी स्थिति में गुरु के ही श्री चरणों में शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस तरह से कबीर दास जी ने शिक्षक की महिमा का वर्णन किया है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? जी हाँ, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ छात्रों और दोस्तों ने उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें 5 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाने दें। ये सुनकर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, मेरा जन्मदिन मनाने की जगह अगर इस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाए तो मुझे बहुत गर्व होगा। तब से आज तक हर वर्ष हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम उन्हें याद करने के साथ साथ ही सभी शिक्षकों का सम्मान और धन्यवाद करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा में बहुत विश्वास रखते थे। वे एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। उन्हें अध्यापन से गहरा प्रेम था। एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। इस दिन छात्र अपने शिक्षकों को सम्मान देने के लिए स्कूल और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। बच्चे व शिक्षक दोनों ही सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। स्कूल कॉलेज सहित अलग अलग संस्थाओं में शिक्षक दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। छात्र विभिन्न तरह से अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, तो वहीं शिक्षक गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने का संकल्प लेते हैं। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। Learn Easy Channel.